वेलकम टू अ चैनल मैथ कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो केवीएस पीआरटी के लिए साइंस एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ, केवीएस पीआरटी के लिए साइंस एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 3 होगा या 4 होगा, क्योंकि मैं 3 और 4 को एक ही चैप्टर मानता हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों चैप्टर मतलब ये टॉपिक है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है, अब कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर एनसीईआरटी को शुरू से कराओ। मैंने पूरी करा रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देखे, केवीएस साइंस वाली प्लेलिस्ट, क्लास नाइन साइंस वाली प्लेलिस्ट, या फिर कहीं ना कहीं करा रखा है, ठीक है ना। अब इस टॉपिक को अगर मैं कराऊंगा ना, तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को ऐसा कराऊंगा कि आपको समझना है, वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से समझाया जा सकता है और वहां खत्म करूंगा जहां ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या होता है समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया परमाणु, परमाणु का मतलब एटम, को ये पता चल गया कि एटम क्या होता है। किसी भी चीज का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे एटम कह देते हैं, ठीक है ना। अब बाद में पता चला कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो बाद में पता चला कि एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि बीच में तो होता न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में कहते हैं नाभिक, और इन ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और ये जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, ये जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इस नाभिक के अंदर, इस नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक चीज होती है रिपीटेटिव अप्रोच, मैं वो इस्तेमाल करता हूं। टॉपिक भी समझ आएगा, प्रीवियस भी रिवाइज होगा। अगर आप सारा कंटेंट अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। ये ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। चलो ये समझ आ गया। अब आपको ये भी समझ आना चाहिए कि ये जो ऑर्बिट्स है, ये जो गोले गोले बने, इन्हें ऑर्बिट्स कह दिया। इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका फॉर्मूला दे दिया इन्होंने। क्या फॉर्मूला दे दिया? पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पहली ऑर्बिट का नाम K है, फिर L है, फिर M है, सो ऑन है, ठीक है ना। तो इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, एक फॉर्मूला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, वो है 2n2। ये भी अपने आप में एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया, ठीक है ना। अब मान लो पहली ऑर्बिट K है, फिर दूसरी L है, फिर तीसरी M है, फिर N है, फिर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके लिए N की जगह 1 लिखा जाएगा, इसके लिए N की जगह 2 लिखा जाएगा, इसके लिए N की जगह 3 लिखा जाएगा, इसके लिए N की जगह 4 लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये इनके नंबर हो गए, नंबर के हिसाब से नाम दे दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, एन की जगह 1 रखोगे तो क्या होगा, के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। एन की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 8, 8, 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 18 और 32, सो ऑन। यानी कि आप ऐसे कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, किस ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है वर्ड याद रखना। इसका मतलब है पहली ऑर्बिट में, पहली ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और दूसरी ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तीसरी ऑर्बिट में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हमें क्या समझना है, पूरा डिटेल के लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। ओ ये क्या हो गया, चलो ऊपर कर लेते हैं। हमें क्या है, अब हमें ये समझना है, जैसे के है, एल है, एम है, एन है, सो ऑन, इसमें 2 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं और 32 आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है मैक्सिमम। अब जितने भी तत्व आपको पता है, आपने सुना होगा नाम, हाइड्रोजन का सुना होगा, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आपको एलिमेंट की टेबल पूरी याद होनी चाहिए, कहां से कहां तक, 1 से लेके 20 तक, ठीक है ना। उनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, और सीरियल में याद करना कि पहले पे हाइड्रोजन आता है, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन। मुझे ना 40-45 तक लगातार याद है सीरीज में, इवन मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल इतनी याद है कि जब आप चाहोगे तब मैं बना के बता सकता हूं। लेकिन बात वही है, इस फील्ड में मतलब ये देखा ही नहीं जा रहा कि किस पे कंटेंट है, किस पे नॉलेज है, देखा ये जा रहा है कि कौन कितने ड्रामे से या कौन कितने एडवर्टाइजमेंट वे में अपना प्रचार कर सकता है, बस सिर्फ इसी की वैल्यू है, छोड़ो। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता चल गया, आपको ये 20 तक याद होना चाहिए अगर आप केवीएस पीआरटी में साइंस वाले सेक्शन में पूरा मार्क्स चाहते हो।
अब बच्चे ये पूछेंगे सर कहां से मिलेगा, तो मैं बता देता हूं कहां से मिलेगा। एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है चैप्टर नंबर 4 में, किस में दे रखी है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब कंटेंट दिया है, सारा कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपका काम क्या है, इसे सीखना और सिलेक्शन पाना है। सिलेक्शन के बाद मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, आपको अपने साथ पार्टी डिनर ऑफर करूंगा, या लंच करोगे लंच ऑफर करूंगा, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे परिवार के साथ, देवांश मेरी वाइफ, ठीक है, सबके साथ, ठीक। तो ये मेरा गोल है, ठीक है ना, कि मैं दिखाना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बेच रहा है वही महान है, ठीक है। अच्छा सुनो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, ये हमें क्लियर हो गया बात। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी, लेकिन के एल एम एंड सो ऑन, अभी आप छोटे हो, मैं बता देता हूं, छोटे मतलब जिनका साइज बैकग्राउंड नहीं है, एम में ना 18 बटे हुए होते हैं, 18 बटे हुए होते हैं, 2, 8 ऐसे करके। तो आप अब याद क्या रखोगे कि के में तो 2 आते हैं, बाकी सब में 8-8 आते हैं, समझ आया। अगर वो बोलेगा किसी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब तो ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई करना है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी का, तब आपको बस इस वाले क्राइटेरिया से सारा काम हो जाएगा। क्या कि पहली वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी सब में कितने आएंगे, 8, 8, 8, 8, 8। आसान है ना, मैं जितना आसान हो सकता है बनाने की कोशिश कर रहा हूं और बना के रहूंगा। मैं कह रहा हूं जितना आसान हो सकता है मैं बनाने की कोशिश करता हूं और उतना आसान बना के रहूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग अगर याद नहीं करेंगे तो मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं मार्केट का सिनेरियो चेंज करने वाला हूं, कंपटीशन का लेवल चेंज करने वाला हूं, क्योंकि ये 40 नंबर 20 मैथ के 20 साइंस के नॉन साइंस बैकग्राउंड बच्चे को नहीं मिल पाते थे, मैं पूरे 40 में से 35 प्लस दिलाऊंगा, और अगर मेहनती बच्चा है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते पूरे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको 1 से 20 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करने ही, तो आप याद करोगे, मैं याद कर लूं क्या, मुझे तो पहले याद है 45 तक। मान लो उसने कहा कार्बन, क्या कहा, कार्बन, तो आपको याद होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। और याद रखना वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ परमाणु क्रमांक का काम होता है और किसी का काम नहीं होता। जब भी आपको वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसमें परमाणु क्रमांक का काम होता है, परमाणु भार का काम नहीं होता, सबसे पहली बात ये, सही है ना। चलो अब आपको मैंने क्या कहा, पहली ऑर्बिट में 2 आएंगे और बाकी सब में 8 आएंगे, वैलेंस और वैलेंसी निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 6। तो कार्बन पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, 2। कार्बन पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, 2, क्योंकि 2 मैक्सिमम है। अब इसने 2 यहां डाल दिए, कार्बन के पास कितने बचे, 4, तो 4 यहां आ गए, समझ आया। तो ये हमने कार्बन को भर दिया, ये हमने कार्बन को भर दिया। अगर अब कोई पूछे कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं यहां पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, सबसे बाहर वाले कक्ष में, सबसे बाहर वाले कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन की बात करी जाएगी तो 2 और 4, तो इसके लास्ट में 4 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 4। इसी तरीके से चलो कुछ और बता देता हूं, जैसे मान लो आपको बोला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो मैंने कहा 2, 8, 8 ये याद रखना है, 7 में से पहले वाले में कितने आएंगे, 2, 7 में से 2 यहां गए तो बचे कितने, 5, 5 यहां आ गए, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। आई होप आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकाले जाते हैं, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब बारी आती है वैलेंसी की, वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता, ये बहुत पूछा जाता है और मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, संयोजकता ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि जो साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसे बहुत मुश्किल होती है, वो याद करता है जनरली। अब सुनना मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने एग्जांपल समझ लिया तो संयोजकता आपके बाएं हाथ का खेल है। आपको एक कार खरीदनी है, कार आ रही है 2 लाख रुपए की, कार आ रही है 2 लाख रुपए की, ठीक है ना, कार आदोगे, कार आदोगे तो मन में
कमेंट लिखने की कोशिश हो गई होगी कि यार सर कार का नाम बताओ हम ही ले लें, सेकेंड हैंड कार, ऑल्टो, ठीक है ना, आई लव ऑल्टो, ठीक है ना, ऑल्टो, ठीक है ना। अब आपके पास है 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये, तो आप क्या करोगे, 20,000 किसी से अरेंज कर लोगे, 20,000 किसी से अरेंज कर लोगे और कार ले लोगे, सही या नहीं? सही। तो आप पे 20,000 रुपये का उधार हो गया, माइनस का मतलब उधार, माइनस का मतलब उधार, ऐसा ही होता है ना। अब मान लो आपके पास है 20,000 रुपये और आपको कार लेनी है 2,00,000 रुपए की, अब आपको कितने रुपए उधार लेने पड़ेंगे, 1,80,000, और वही कोई दूसरा इंसान है जिसे सिर्फ 20,000 की जरूरत है किसी काम के लिए, तो आप कहोगे यार मेरा अमाउंट तो बड़ा है, ले तू ले ले मेरे से 20,000, तू अपना काम कर ले, तब आप 20,000 फायदे में आ जाओगे। फायदे का मतलब यहां पे उधार दिया है, प्लस का मतलब उधार दिया है, वो मुझे पता है वापस नहीं मिलता लेकिन मान के तो चलो दिया है, ठीक है ना। यही कहानी संयोजकता में, जैसे नाइट्रोजन कोई ले लो, इसका है 2 और 5, और हमें पता है पहली ऑर्बिट में 2, बाकी सब में हम 8 8 करेंगे, तो यानी कि नाइट्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट में होने कितने चाहिए थे 8, लेकिन है कितने 5, होने कितने चाहिए थे 8 लेकिन है कितने 5। अब करेगा क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन देगा, अब मुझे बताओ कौन सा नंबर छोटा है। आप कहोगे नो डाउट सर 3 छोटा है, तो हाँ वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब लेते हैं तो उधार चढ़ता है और उधार के लिए आता है माइनस, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी -3, समझ आ रहा है। इसी तरीके से मानो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो भरोगे तो 2 और 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। अगर मैं पूछता हूं इसकी वैलेंसी कितनी है, तो आप ये देखोगे कि दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8, लेकिन अभी है कितने इसके पास 6, तो इसके पास 2 चाह रहा है, या तो 2 किसी से ले ले या अपने 6 भी दे दे, आगे वाली तो फुलफिल होगी, क्यों, क्योंकि आगे वाली में कितने होते हैं 2 होते हैं, तो छोटा नंबर कौन सा है 2, तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी -2। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, और बच्चे सोचते रहते हैं कि क्या है, ठीक है ना, क्या बवाल है। ठीक, चलो एक और कर लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम की बात करता हूं, इसका एटॉमिक नंबर 12, तो 2 8 8 8 8 ऐसे चलता है, पहले में 2 भरा, फिर बचा 10, 8 भरा, 10 नहीं आ सकता, आठ ही सकता है 2, तो इसके लास्ट में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2। अगर मैं कहता हूं इसकी वैलेंसी बताओ, तो आप देखोगे इसके पास 2 है, तो 2 चाह रहे, या तो ये 6 ले ले या फिर 2 दे दे, अगर ये 2 दे देगा तो ये खाली हो जाएगी ऑर्बिट, और इससे पहले वाली तो पूरी भरी हुई है, बस यही कहानी है, तो 2 छोटा नंबर है तो 2 दे देगा, 2 दे देगा तो क्या है प्लस, क्या है प्लस, समझ आया, यही कहानी आपको समझनी है, यही कहानी आपको समझनी है, ठीक है ना। तो मैंने अंतर समझा दिया। अब इसके बाद बहुत सारे देखो, जैसे मान लो मैं बाइक चलाना, छोड़ो छोड़ो, जब हम सीख लेते हैं ना चीजों को, फिर हम चीजों को बहुत फास्ट करते हैं, तो मैं अब एक फॉर्मूला बता देता हूं जिसे शॉर्टकट के नाम पे बेचते हैं, और जो इसे बेच रहा होता है ना उसको आप लोग महान की कैटेगरी में ले आते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होंगे, 4 से कम होंगे, देन जो वैलेंसी होगी वो प्लस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। अब देखो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, क्या ये 4 से कम है? आप कहोगे हाँ डेफिनेटली 4 से कम है, तो अगर ये 4 से कम है तो वैलेंसी इसकी उतनी होगी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बस प्लस लगा दोगे। ये बन गया शॉर्टकट, जो मार्केट में यही बेचा जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझना ही नहीं चाह रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, मार्केट में ये सिखाया जा रहा है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज नहीं कल अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे ना, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो भूलने का कोई चांस होता ही नहीं है। एक बार आपने बाइक चलाना सीख ली तो भूल पाएंगे, कभी कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है, 4 से ज्यादा, तब जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, और वो भी किस में, चलो हाँ यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। जैसे नाइट्रोजन की बात कर लो, एटॉमिक नंबर सात, तो 2 और 5, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मोर देन 4 है, और अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोर देन 4 है तो,
अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो वैलेंसी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 -8 दैट इज -3। और हम लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं, इसके यहाँ पे 8 होने चाहिए, या तो 3 लेगा या फिर 5 देगा, छोटा नंबर क्या है 3, और जब लेता है तो माइनस आता है। समझ आ रहा है, बहुत आसान है, चीजें इतनी आसान है ना, बस आपने एक बार ठान लेनी है। मैं कह रहा हूं हर चीज में हम जिद दिखाते हैं, एक बार जॉब लेने में तो जिद दिखाओ। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो तब उसकी जो वैलेंसी होती है वो +4 और -4 दोनों होती है। कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 और 4, और दूसरी ऑर्बिट में कितने होने चाहिए 8, तो ये 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है। और इत्तिफाक से हमने क्या देखा, दोनों नंबर बराबर है, और दोनों नंबर बराबर है तो ये +4 भी शो कर सकता है और -4 भी। समझ आया, ये पूरा सेशन है, मैं कह रहा हूं ओपन चैलेंज है, ओपन गारंटी है, आईएएस तक, यूपी यूपीएससी में अगर जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है और उसमें वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आता है, और आपने मेरी क्लास देखी है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गारंटेड। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना।